अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी जयपुर में हमें हो गया है दूसरा दिन, यानी कि दूसरी मॉर्निंग, और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो कल तो जो है ना, हम लेट तक सोए थे तो कुछ भी ज़्यादा घूम नहीं पाए, क्योंकि लेट निकले थे शाम के टाइम पर, तो इसलिए। तो आज हम जल्दी से जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम घूम सके, और जल्दी उठ गए हैं। तो अभी सिर्फ टाइम हुआ है 9 बजे हैं, 8 बजे उठ गए थे, 9 बज गए हैं, और अभी नीचे जाके हम नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं घूमने के लिए, यानी कि 10 बजे तक निकल जाएंगे। तो ये बच्चे बैठे हैं, आलिया, इनाया, तो चलिए चलते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? बोला अपनी मर्जी से चलो चलो चलो। तो बस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और बैठे हैं आलिया बनाया, इनको खिलाना बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन मोबाइल सिखाते हुए मैंने खिला दिया है, फिर भी उसने छोड़ दिया है थोड़ा सा। तो एक पराठा दोनों बच्चों ने खा लिया। अब ये कि आराम से मतलब दोपहर तक और यस 2 बजे खाएंगे तो आराम से चल जाएगी। कुछ आलू का जो पराठा रहता है हैवी रहता है, तो इसलिए हमने सोचा आज भी यही खाते हैं। कल भी हमने खाया था ना तो भूख नहीं लगी थी काफ़ी टाइम। तो बस अभी चलते हैं, और अभी ये लेने गए हैं मेरे लिए दवाई, क्योंकि कल से जो है ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया था कल तो, और आज जो है ना खांसी भी उठ रही है, गले में खराश है, तो इसके लिए दवा लेने गए। और कल तो मैंने बुखार की ले ली थी, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि आ जाएगा बुखार शायद। इन्नू चले, अब मोबाइल दो इन्नू ला। ये आ गई है मेरी मेडिसिन, इतनी सारी सर्दी जुकाम के लिए इतनी सारी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और हमारा डिसाइड हो गया है जाना कहाँ पर है, तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। और ये देखो उनका खेल कूद चालू हो गया है, देखो झूलों के नाम से कितनी खुशी, पूरा दिन वही में कर लेंगे एक ही जगह। रात को तो और मजा आया उसमें, लाइटिंग वाइटिंग के साथ पंजाब की गाड़ी भी अच्छा है। रात के चक्कर में एक ही चीज घूमता है। हम आ चुके हैं फान के, और आज मैं इनाया और हुडेन बहुत बहुत एक्साइटेड है। तो अभी हम हो गए हैं तैयार अंदर जाने के लिए, धूप में तपने के लिए, लेकिन उसके साथ एंजॉय करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन सी राइड ले पाते हैं, क्योंकि एक तो झूले से डर लगता है, दूर से भी देख लिया ऊंची हाइट का झूला, तो अब जितने झूलों में बैठने की हिम्मत कर पाएंगे उतने झूल लेंगे, बाकी अपना बच्चे एंजॉय कर लेंगे, हम भी कर लेंगे साथ ही। तो बस अभी चलते हैं अंदर, फिलहाल कोई ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि सब शाम के टाइम पर आते होंगे, लेकिन हम घूमने आए हैं बाहर से, तो हमें सोच रहे हैं एक दो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा घूम लें, तो इसलिए हम दोपहर में ही आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं है, तो अभी चलते हैं, क्योंकि अगर शाम का इंतज़ार करते ना तो सिर्फ हम एक आधी चीज़ घूम पाते, क्योंकि चीज़ें बंद भी हो जाती हैं और इतनी दूर दूर है। कब से सफ़र कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए, 1 घंटे में यहाँ पहुँच पाए हैं, तो इसलिए हम दोपहर में आ गए हैं। देखो ये देखो घूम रही है, पिंकी पाई पिंकी पाई 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 पापा पट पट पाई पापा, तुम एक जैसे हो। अरे वाह, चेटे चश्मे ना तो तो अभी हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर लिए जा रहे हैं टिकट। हमारा बेटा है 2200 रुपये, क्योंकि हम 4 जने हैं, आली नायक की भी हाइट जो है ना ऊंची है, तो उनका टिकट लग रहा है। अब बच्चों का ही फन करने का है तो उनका टिकट तो लगेगा, है ना। तो बस अभी यहाँ पर ये लोग टिकट ले रहे हैं। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, चलो चलो।
ये है कपड़े, चलो चलो पकड़ पकड़ के, चलो पकड़ पकड़ के। ओ ये चक्कर आ रहा है, जल्दी चल। ये क्या हो रहा है, घूम रहा है ये तो। वो कह रही है ये कहाँ ले गए थे, उसने मुझे कस के पकड़ लिया। मेरे किस कपड़े पकड़े हैं, एक चीज हमें पता ही नहीं था तुम पीछे थी है। तो इस वाली राइड के अंदर थी हम लोग आ गए, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा घूमने वाला है। तो थोड़ा सा ये जरा सा फिर भी उसमें ऐसा लगा, चलो धीरे धीरे से हो जाएगा, एक मजा आएगा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो ये वाली राइड हमारी हो गई है, अब जा रहे हैं हम थर्ड पे और देखते हैं वो कैसी है। बच्चे आ गए अपने मन पसंदीदा जगह पर, बच्चे बच्चों का ये देखो रेन, अभी उस पर सुधर नहीं रही थी, अब खुश हो गई। तुम जंपिंग करो, रेन भी होगी फिर जैसे। हाँ ऐसे आलिया नहीं बैठेगी, छोटे बच्चों का है। मैं पकड़ रहा हूँ ऐसे ऐसे। आराम से आराम चलो ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ 3-4 राइड ली हैं और उसके बाद बस बच्चों का भी खाना पीना ही करा रहे हैं। बच्चों के साथ यही होता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो बस बच्चों का खाना पीना भी करा दिया है। और अब हम जा रहे हैं इसमें भूल भुलैया में, तो इसमें देखते हैं क्या है, फिर आगे और राइड लेंगे। फिर पानी वाली राइड सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि अगर गीले हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा राइड कोई इसी ले नहीं सकते हैं, वो लोग नहीं बिठा लेंगे, फिर कपड़े ही चेंज करने पड़ेंगे जो कि हम लेकर नहीं आए हैं। तो इसलिए पहले जो बिना गीले करे मतलब राइड ले सकते हैं वो ले लेते हैं सारी, फिर उसके बाद लास्ट में जितनी भी पानी की है वो लेंगे, ठीक है। और वैसे गर्मी तो इतनी लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी पानी की राइड ले लें। तो चलो अभी भूल भुलैया में चलते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। गर्मी बहुत है, बस गर्मी बहुत है। अगर यही ठंडक में सर्दी में घूमने आते या बारिश में तो बड़ा मजा आता, गर्मी में मतलब ठीक है, बस मजा थोड़ा सा कहते हैं ना फीका। ये देखो रेन एड़ी उचका उचका के चल रही है, ने बड़े मजे करे हैं, मतलब जो भी राइड में बिठाल रहे हैं ना फिर उसमें से उतरना नहीं है उनको, और घूमना है तो अभी चलते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा ना ये अच्छा लगा, छतरी का अच्छा लगा है। चलो अभी अंदर चले।
रहा है इसमें, छाई भी नहीं रहा, गर्मी भी नहीं लग रही है। पानी के भी कैसे भी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस वाली राइड पर। तो ये जो राइड है ना, थोड़े से राउंड राउंड घूमना है इसमें, तो इसलिए हम तीन जने नहीं गए हैं, सिर्फ बुलबुल और आलिया गई है। तो होरेन सो रही है और हम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा राउंड राउंड घूमने से डर और धूप की वजह से ये दोनों नहीं जा रहे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। तो वैसे अभी जो है ना अंदर चलते हैं, और अब जो है ना सही लग रहा है वैसे, क्योंकि है ना मौसम भी ठंडा हो गया है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो अब यहाँ घूमने का मजा आएगा। सही टाइम पर आ गए, कल तो जब आए थे जब बंद हो चुका था। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, हरी हरी घास में पानी के साथ घूम रहा होता, तीन ही पार्क होगा उधर। मेला दिख गया उसे। आया इधर आ। अभी हम लोग आ चुके हैं चौपाटी पार्क से निकलते ही सामने रोड के दूसरी साइड है ये। तो आलिया को कल से ताकि मुझे मोमोज खाने, यहाँ पर मोमोज नहीं दिख रहे थे, तो अब यहाँ से हमने मोमोज और एक वेज रोल कराए, तो अभी बनकर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और ये देखो काफी सारे स्टॉल हैं यहाँ पर, फूड ट्रक है ऐसे ही फास्ट फूड के, और सभी चीजें हैं, तो अच्छे से यहाँ खा पी सकते हैं। तो ये है जूतियों की शॉप जहाँ पर बुलबुल गई है जूती लेने के लिए, और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हुरैन चला रही है गाड़ी, इनाया ने लिया है ये टॉयज, आलिया बना रही है शॉर्ट्स।
तो बस यहाँ पे भी यही चल रहा है और बाहर हो रहा है हल्का फुल्का मौसम, ठंडा हल्की फुल्की बारिश हो रही है बौछार, ये देखो। तो यहाँ दिन से ही बादल हो रहे थे शाम से, और अब यहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की सी। तो बस अभी ये लोग जूती लेकर आ जाए तो फिर चलते हैं होटल। ये है राजस्थानी मुजड़ी जूती।